ऊपर से थोड़ा सा पानी छीर रख देंगे। रंजना भक्ति जी थैंक यू सो मच। ऐसे करके ये होगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। बाकी इसमें क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा वो हम आगे बताएंगे, आप लोग बने रहिए। जानती है उर्मिला दी, वो अशोक आज दिन भर दो दिन से कर रहा, आज 200 से ऊपर का मैसेज उसने किया और डिलीट किया है सारा। ऐसे इसमें थोड़ा पेशेंस का काम होता है, ये थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए धैर्य पूर्वक ये काम करना पड़ेगा हमें। ये पूरा साफ है, देख रहे हैं आप, थोड़ा एक आध नीचे गिर रहा तो उठा रही हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि नीचे का गिरा हुआ उठा रही है। ओ, बीच में मैं इसको चला दे रही हूँ ताकि चीनी हमारा बैठे नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। हो गया, एक बार चला करके फिर हम इधर काम करने लगेंगे। प्लीज जो सब जुड़े हैं मैसेज कीजिए। और ये कैसे हम जान जाएंगे कि ये हमारा हो गया है मिठाई बनने लायक? वो बने रहिए लाइव में, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। वैसे तो आता ही होगा सभी कुकिंग चैनल वाले को, या नॉर्मल जो है उनको भी, लगभग अपने घर में सभी बनाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाती हूँ। ऐसे ही करूंगी, आप लोगों को दिख रहा है सही से कि नहीं मैसेज कीजिए। अब ये क्या करेंगे इसमें हम, ये जो है 2 लीटर मैं दूध ली हूँ, इसी में ये कॉर्न स्टार्च है, रहेगा तो कॉर्न स्टार्च डालेंगे, नहीं तो मैदा हम डालेंगे। 2 लीटर में मैं 1 लीटर ये कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ ताकि हमारा मिठाई बिल्कुल सही से बने। सॉरी, ओ हो सॉरी सॉरी, वो पूरा आ गया। ऐसे करके खूब अच्छे से इसको अभी और मिलाएंगे 10-5 मिनट तक। द
देखती हूँ मैं एक बार, इसको थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ।